माया चक्र में स्वागत है। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो उसके पहले राजा थे राजा परीक्षित। परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया। तक्षक खांडव प्रस्थ का राजा था और जब अर्जुन ने खांडव को जला दिया था तक्षक ने यह प्रण लिया था कि वो एक न एक दिन अर्जुन के किसी वंशज को डस के उसकी हत्या करेगा। जब परीक्षित की हत्या हुई उसके बेटे जन्मजय ने प्रण लिया बदला लेने का और आरंभ किया सर्प सत्र। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ और हर दिशा से नाग और सर्प आने लगे और हवन की अग्नि में गिरकर जलने लगे। सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। ऐसा सर्प सत्र, ऐसा हवन और इतने नागों की मृत्यु पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। अंत में सबने आके जब रोकने की कोशिश की, देवताओं ने आकर इसे बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन जन्मजय ने किसी की बात नहीं सुनी। उसे अपने पिता का बदला लेना ही था। अंत में एक बालक आया जिसका नाम था अस्तिक और उसके कहने पर सर्पसत्र बंद किया गया और बाकी नागों को बचाया गया। कहते हैं कि जो नाग इस यज्ञ में भस्म हुए वो वही नाग थे जिन्हें उनकी माता कडरू ने श्राप दिया। ये कथा यही दर्शाती है कि पुराणों में कोई भी वाक्य, कोई भी वचन खाली नहीं जाता। चाहे वरदान हो या श्राप हो, किसी न किसी युग में पूर्ण जरूर होता है।